स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल लाइव में। आप प्रैक्टिकल देखेंगे और पूरा पार्ट का प्रैक्टिकल हम बताएंगे और कहाँ कहाँ लगा है सब कुछ दिखाएंगे। आपने हमारे वीडियो पे जो पिछली बारी थी उसमें थ्योरी आपने देखा होगा, बोर्ड पे मैंने बताया था। तो आज हमने इस वॉशिंग मशीन को ओपन करके आपको दिखाएंगे कि कौन कौन पार्ट कहाँ लगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हम प्रैक्टिकल बताएंगे, लाइव प्रूफ बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट, जैसे आपने बोर्ड पे देखा होगा पार्ट का नाम और सब कुछ काम बताए थे, तो इसमें आज हम बताएंगे दोस्तों। तो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए हमारा ये वॉशिंग मशीन का डिस्प्ले है, जो ऑटोमेटिक में डिजिट वाला डिस्प्ले आता है, ये नोब वाला डिस्प्ले है। तो जैसे आप शो कर रहा है डिस्प्ले, आप देख रहे हैं इस पे कुछ मेंशन किया क्या क्या लिखा हुआ, तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये जैसे डिस्प्ले आप देख रहे हैं, तो क्या क्या है डिस्प्ले से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे अंदर तक पार्ट में हम पूरा दिखाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस डिस्प्ले से, जो नो वाली डिस्प्ले है और ऑटोमेटिक में आता है डिजिट वाला डिस्प्ले। तो आप देखेंगे उसमें पीसीबी लगा होता है, हम उसके बारे में बाद में बताएंगे दोस्तों। तो आज हम इस सेमी ऑटोमेटिक का जानेंगे पूरा प्रैक्टिकल और पार्ट क्या है कहाँ लगा है, तो इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा पहला नंबर है इनलेट, जो छत के टंकी से पानी आप यहां से इन करवा सकते हैं, अंदर जाएगा पाइप लगेगा तो यहां से पानी आप अंदर जाएगा, दोनों ड्रम में जाएगा, इसमें इसमें दोनों में जाएगा, स्पिन में और आवास में दोनों में जाएगा। तो ये हमारा यहां से पानी इनलेट होगा। और दोस्तों यहां से स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं हम आपको चलेंगे। ये देखिए स्पिन का और वास का, ये दोनों पानी यहाँ से जो यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किधर पानी हमको डालना है, किधर नहीं डालना है, किधर जाएगा किधर नहीं। तो ये देखिए अगर आप स्पिन इधर कर देंगे स्पिन टाइम पे, तो स्पिन में जाएगा, स्पिन ड्रम में पानी जाएगा। अगर इधर करेंगे तो वास में जाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा वास में जाएगा। तो ये वास है हमारा, वास ड्रम है, तो हम इसको बात बता देंगे। तो ये हमारा दोस्तों हो गया बुरा। तो दोस्तों ये हमारा वॉश टाइमर है, आप वॉश टाइमर देखेंगे, वॉश टाइमर का क्या काम होता है। तो वॉश टाइमर का काम होता है दोस्तों टाइम पे कपड़ा धुलना, टाइम सेट करके कपड़ा धुलता है, जितने टाइम पे आप सेट करेंगे उतने टाइम पे कपड़ा धुलेगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों आप इस समझ गए। तो आते हैं इसके वॉश सेलेक्टर दोस्तों। वॉश सेलेक्टर स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, जेंटल, जैसे आपको बताया था वीडियो में। तो नॉर्मल कपड़ा धोने के लिए इसपे सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंटल धोने के लिए इसपे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले इसपे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया सेलेक्टर, इसमें एक ही है दोनों। और दोस्तों ये देखिए वॉश रिंस, ये ड्रेन सेलेक्टर है, ड्रेन पानी वाला, जो पानी जो सर्फ का पानी निकलता है, जो कचरा निकलता है धुल के कपड़ा धुल जाता है, तो उसके उसका पानी यहाँ से निकलता है ड्रेन करने के लिए, तो आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा हो गया ड्रेन। दोस्तों ये हमारा स्पिन टाइमर अगला है, स्पिन टाइमर। तो स्पिन टाइमर का काम होता है वही जो वॉश टाइमर का होता है, टाइम से काम करना है, टाइम से काम करना है। तो दोस्तों टाइम के हिसाब से सेटिंग के। तो दोस्तों ये हमारा डिस्प्ले, आप समझ गए होंगे कि कौन सा काम कौन सा पार्ट काम क्या है। और हाँ दोस्तों आपको नोब स्विच भी बता दें, ये हमारे चारों नोब स्विच है। और ये भी देखिए है वाटर सेलेक्टर, वाटर सेलेक्टर। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं ड्रम से। तो दोस्तों ये हमारा ड्रम का ढक्कन है, देखिए वॉशिंग मशीन का ये ढक्कन है, जो ये फिक्स नहीं रहता है, ये अलग हो जाता है, जैसे कि हम इसको अलग कर दिए। अब आते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा ड्रम है, ये दोस्तों हमारा ड्रम है, देखिए ये पूरा इतना भारी ड्रम्स है। तो ड्रम के नीचे अब क्या है दोस्तों, आप जैसे हम प्लास्टर बात किए थे, तो ये देखिए हमारा प्लास्टर है, तो ये देखिए हमारा प्लास्टर है दोस्तों। ये देखिए इधर से इधर इधर राउंड घूमता है और इसमें रोलर लगे है, चरखी लगा है। तो दोस्तों इसमें क्या करता है, कपड़ा को घुमा घुमा के दोनों तरफ से कपड़े को जो दाग धब्बे होते हैं तो उसको छुड़ाता है दोस्तों, ये काम होता है। और अगर खोलना हो तो दोस्तों यहाँ से आप इसको हटा देंगे पेचकस से, तो ये निकल जाएगा, इसमें एक स्क्रू पेच लगा होता है, उसको खोल देंगे तो यहाँ से ये ओपन होता है, यहाँ से ऐसे उठा लेंगे तो ये निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारा कपड़ा धुलने वाला पास्टर है, जो ये देखिए इधर इधर दोनों साइड घूमता है गेयर बॉक्स की मदद से और मोटर के मदद से, क्योंकि उसमें रनिंग स्टार्टिंग होता है, दाएं बाएं घूमता है दोस्तों। तो ये हमारा पास्टर हो गया, तो जो इसका कपड़े रगड़ रगड़ के धोने का काम करता है दोस्तों, ये इसी ड्रम में लगा होता है, वॉश ड्रम में लगा होता है, इसका कपड़ा धुलने के जो कपड़ा धुलता है उसमें लगा होता है दोस्तों, वॉश ड्रम में। तो दोस्तों ये हमारा वॉश ड्रम और पास्टर हो गया, आप इससे समझ गए होंगे अच्छे से। अब आते हैं दोस्तों, ये हमारा स्पिन स्पिन ड्रम स्पिन का है, स्पिन का ढक्कन है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये स्पिन का ढक्कन है,
ये देखिए, ये दूसरा प्लास्टिक का भी एक ढक्कन है, इसके सबसे है शीशे जैसा दोस्तों। और ये देखिए हमारा स्पिन ड्रम दोस्तों, ये देखिए, और नीचे देखिए छिद्र बना हुआ है छोटे छोटे, यहाँ से पानी जो इस मोटर को घुमा के जो पानी निचोड़ता है एकदम, तो यहाँ से पानी ये निकल जाता है बाहर ड्रेन के रास्ते से, और ये ड्रेन का पानी डायरेक्ट होता है, इसमें कोई वो नहीं होता है दोस्तों। इसका पानी जैसे निचोड़ता जाएगा वो बाहर निकलता जाएगा ऑटोमेटिक अपने हाथ से। तो ये देखिए हमारा ढक्कन हो गया। और हाँ, एक प्लास्टिक आती है जो कपड़े को दबा के रखने के लिए दोस्तों, इसमें है नहीं, तो ये आपको हम दिखाएंगे बाद में कभी। तो ये दोस्तों, ये हमारा स्पिन ड्रम हो गया, स्पिन का ढक्कन हो गया, तो ये फिक्स रहता है, नहीं कभी निकलता नहीं दोस्तों। निकलेगा, आप निकालेंगे तो निकलेगा, जब बाय द वे टूट जाएगा तब ये निकलेगा, नहीं तो ये फिक्स रहता है, क्योंकि इस पे ब्रेक का काम करता है, ये ब्रेक का काम करता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम बैक साइड में, नीचे इसके पार्ट क्या है दोस्तों, तो हम आते हैं बैक साइड में। तो दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, कहां लॉक लगा इसका है दोस्तों। ये निकल गया हमारा, ये देखिए हमारा निकल गया दोस्तों। अब आते हैं, बताते एक साइड से दोस्तों हमारा क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वॉच टाइमर से दोस्तों। ये देखिए हमारा वॉच टाइमर दोस्तों, ये देखिए हमारा वॉच टाइमर है जो 90 वाट का है दोस्तों। ये देखिए 90 वाट का लिखा हुआ, ये हमारा देखिए वॉच टाइमर है जो कपड़ा धुलता है, कपड़े धुलने पे चलता है मोटर, ये कपड़ा धुलता है इधर उधर दोनों साइड चलता है, इधर चलता है एक बार इधर चलता है दोस्तों। ये इसका काम करता है घुमा एक सीधा एक उल्टा चलता है दोस्तों ये मोटर। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा धुलने वाला मोटर है, ये आपको समझ में आ गया, दो मोटर होते हैं, दोनों मोटर आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा वॉश मोटर हो गया। तो दोस्तों अब ये देखिए वॉश मोटर के ऊपर जो पुल्ली लगी होती है, इसमें देखिए पुल्ली लगी है दोस्तों, ये है वॉश मोटर का पुल्ली जो इसे प्लेट टाइप का है। और ये अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए बेल्ट जो आपको दिखाए थे वीडियो में, आप देखे थे ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे, वो ये देखिए बेल्ट है। और अब दोस्तों देखिए ये हमारा गियर बॉक्स है, ये देखिए नीचे गियर बॉक्स है, ये देखिए गियर बॉक्स का पुल्ली है और नीचे इसके अंदर गियर बॉक्स है दोस्तों, ये गियर बॉक्स है, ये चीज गियर बॉक्स है, ये देखिए ये गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स है दोस्तों, ये हमारा गियर बॉक्स है, आपको समझ में आ गया क्या कहाँ पार्ट लगा है। ये जो गियर बॉक्स लगा है वॉश ड्रम के लिए लगा होता है, जो कपड़ा घुमा घुमा के पॉलिएस्टर चलाता है, ये उसी के लिए लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे लगा होता है। इसे भी निकालने के लिए बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा, आप अगर दिमाग लगाएंगे उसको हम बाद में बताएंगे आपको कैसे निकालना है कैसे नहीं। तो दोस्तों हम आप चलते हैं हम स्पिन मोटर पे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा स्पिन मोटर है, ये देखिए जो कपड़ा सुखाता है, और ये देखिए इसका क्या लगा है, स्पिन सॉकर लगाई है दोस्तों, स्पिन सॉकर है, देखिए स्पिन सॉकर है, ये स्पिन सॉकर जो मोटर को रोकता है, देखिए इस पे रुका हुआ है मोटर, फिक्स किया गया होता है बैलेंस बनाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा कितना वाट का है, 40 वाट का ये मोटर है दोस्तों, कम पावर का उससे वॉश वाले से। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया स्पिन मोटर जो कपड़ा ड्राई करता है, कपड़ा सुखाता है, पानी निचोड़ता है, उसका काम ये स्पिन मोटर करता है दोस्तों। ये जो स्पिन ड्रम है तो ये डायरेक्ट चलता है दोस्तों, इस पे बेल्ट ड्राइव नहीं चलता, बेल्ट से नहीं चलता, ये डायरेक्ट चलता है, इसका कनेक्टिंग रॉड होता है, शाफ्ट लगा होता है डायरेक्ट। अब दोस्तों आते हैं, ये देखिए पुल्ली, ये देखिए दोस्तों ये जो घूम रहा है ये पुल्ली है दोस्तों, ये देख रहे हैं पुल्ली है स्पिन मोटर का। आपको बताए थे दो पुल्ली होते हैं, तो दो पुल्ली आपको एक वॉश में होता है एक स्पिन में होता है दोस्तों, ये हमारा पुल्ली हो गया। अब दोस्तों आते हैं जो ब्रेक प्लेट होता है दोस्तों, ये देखिए हमारा ब्रेक प्लेट है, ये हमारा ब्रेक है और ये हमारा प्लेट है जो स्पिन मोटर के ऊपर लगता है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये स्पिन मोटर के ऊपर लगा है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेक लगा हुआ है प्लास्टिक का, ये ब्रेक लगा हुआ है दोस्तों, जब ये खींचेगा तो ये फ्री रहेगा, और जब ऐसे ढक्कन से, जैसे देखिए ये ढक्कन से काम करता है दोस्तों, ये ढक्कन से, तो ये ढक्कन जब आप उठाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, और ढक्कन अगर बंद करेंगे तो ये चालू हो जाएगा दोस्तों, ये ऐसा काम करता है। ये से उठेगा तो ढक्कन उठेगा तो रुक जाएगा, और ढक्कन गिरेगा तो फिर चालू हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों स्पिन ब्रेक, एकाएक रोकने के लिए, एक अचानक रोकने के लिए, तो दोस्तों ये काम करता है ब्रेक। तो दोस्तों आपने इसको समझ लिया, और ये देखिए उसका वायर है, स्टील वायर लगा हुआ है देखिए, और इधर प्लास्टिक का वायर लगा हुआ है,
तो ये देखिए हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब आते हैं दोस्तों कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर कहाँ लगा है दोस्तों, ये देखिए हमारा 4 वायर का कैपेसिटर है जिसमें 10 mFD और 6 mFD का होता है दोस्तों। ये देखिए हमारा लगा हुआ है कैपेसिटर 4 वायर का है जिसमें दो एक 10 mFD और एक 6 mFD का लगा होता है दोस्तों, जो काम करता है। आपने देखा वहां पे लगा है। तो दोस्तों अब आते हैं हम ड्रेन असेंबली के बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ड्रेन असेंबली, ये पूरा ड्रेन असेंबली सेट है दोस्तों। ये पूरा जो ये वाला पानी जो वाश वाला ड्रम का पानी है दोस्तों, यहाँ से आके यहाँ पे रुकता है और ये यहाँ पे रबड़ लगा होता है, स्प्रिंग के साथ रबड़ लगा होता है, इसे पानी रोकता है। ये ड्रेन स्विच होता है दोस्तों, आपको दिखाएंगे, देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। अगर आप इसे ऊपर उठाएंगे, इधर घुमाएंगे ड्रेन की तरफ, तो यहाँ से जो पानी आएगा दोस्तों, ये ड्रम से, वाश ड्रम से, कचरा वाला गंदा वाला, यहाँ से पानी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ इधर रास्ते से निकल जाएगा, ये पानी यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये गिर जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे पानी जो रबड़ रहता है इस होल को बंद कर देता है, तो यहाँ पे पानी रुकता है, स्टोर होता है पानी दोस्तों, यहाँ पे पानी स्टोर होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो स्पिन वाला है डायरेक्ट होता है, यहाँ से डायरेक्ट होता है दोस्तों, यहाँ से पानी डायरेक्ट होता है, यहाँ पे कोई रोकने का कोई कुछ नहीं होता, यहाँ से पानी जो गिरेगा यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये यहाँ से रोकता है सिर्फ ड्रेन वाला, सिर्फ वाश ड्रम का पानी यहाँ पे रोकता है, स्टोर करता है दोस्तों। आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये देखिए उसका लगा है रबर और यहाँ से काम करता है दोस्तों। हम आपको तो ये हमारा दूसरा वॉशिंग मशीन का है, तो उसमें खुल नहीं रहा था उसका नट क्योंकि वो जंग खा चुका है। तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ से ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा है सारा कैसे कैसे, सेम उसी जैसे इसमें लगा है वैसे ही सेम लगा होगा दोस्तों। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये हमारा देखिए दोस्तों ये क्या जानते हैं, ये वाश टाइमर है और वाश सेलेक्टर है। देखिए जैसे कि हमारा इसमें देखिए ये दोनों एक ही साथ में है, वाश टाइमर और वाश सेलेक्टर, देखिए ये एक ही में है। और एक एक कभी किसी किसी में एक अलग अलग आते हैं, तो उसमें तार होते हैं, तो उसी में सेलेक्ट होता है तार, तो उसमें वाश टाइमर से तार निकला, तो वायरिंग के बारे में हम आपको समझा देंगे। और देखिए ये ड्रेन वाला स्विच, देखिए ड्रेन वाला, यहाँ से ड्रेन, ये जो रस्सी लगी है ना दोस्तों, ये देखिए ये घूमता है तब उठता है, देखिए ये देखिए ऐसे जब उठाता है टाइट करता है तो पानी यहाँ से नीचे से निकल जाता है दोस्तों। वो तो देख लिए हो कैसे उठा। अब आते हैं दोस्तों स्पिन टाइमर, ये देखिए स्पिन टाइमर हमारा दोस्तों, ये स्पिन टाइमर, ये जो टाइमर सेट होता है आपने उसमें देखा था, ये स्पिन टाइमर है। ये देखिए इसमें घिर्री लगी हुई है, देखिए चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया स्पिन टाइमर। तो दोस्तों अब आते हैं बजर, जो उसमें बजर नहीं है दोस्तों, इसमें बजर है, ये देखिए बजर है, इसमें गोल वाला बजर नहीं है, इसमें चौकोर वाला बजर है, चारकोन वाला बजर है, ये बजर है जो वाश टाइमर कपड़ा धुलने के बाद इन्फॉर्म करता है, उसका काम होता है ये बजर। तो दोस्तों आपने देख लिया, हम आपको इस प्रैक्टिकल से माध्यम से बहुत सी जानकारी देने का कोशिश की, और शायद हमको लगता है कि आपको 100% समझ में आएगा कौन पार्ट कहाँ लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।